सेना भर्ती घोटाले में करीब 27 वर्ष बाद गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व ब्रिगेडियर जगजीत सिंह और उनकी पत्नी व बेटी समेत कुल 13 को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने पूर्व ब्रिगेडियर जगजीत सिंह को 4.5 साल और उनकी पत्नी उषा बेदी व बेटी भारती को 3-3 साल की सजा के साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 26 मई 1991 का था, जहां आगरा की ब्रांच में रिक्रूटिंग ऑफिस में सोल्जर, जीडी क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, नर्सिंग सहायक के पदों की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। परीक्षा के बाद सभी उत्तर पुस्तिका को सील कर एक कमरे में ही रखा गया था, जिसकी चाबी केवल तत्कालीन ब्रिगेडियर जगजीत सिंह के पास ही थी। जांच में पता चला कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि सभी कापियां एक ही लिखाई में पाई गई थी और अंक भी एक समान ही थे। इस पूरे मामले पर शक हुआ और यह मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया और तभी से इस केस की सुनवाई चल रही थी।